आपको बता दें, बदायूं में मानदेय न मिलने को लेकर महिला और उसके पति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल पूरा मामला आलापुर थाना क्षेत्र के म्याऊं ब्लॉक का है, जहां एक महिला केयर टेकर के रूप में शौचालय पर तैनात थी। महिला का आरोप है कि बीते 21 माह से उसे मानदेय नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो जिला अधिकारी तथा उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानी को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद वो अपने पति के साथ ब्लॉक परिसर में आई और खंड विकास अधिकारी से मानदेय दिलाने की बातें कहने लगी। साथ ही मानदेय न मिलने पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की हिदायत भी देने लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। खंड विकास अधिकारी ने तुरंत संबंधित सचिव सुनील कुमार को आदेशित किया कि तत्काल इसका मानदेय भुगतान किया जाए और आश्वासन देकर महिला और उसके पति को सकुशल घर के लिए भेजा गया। यह पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर आओ, इधर सुनो तो। कौन प्रधान है? बाबूजी बुला रहे हैं प्रधान के लिए। इधर आओ ना भाई, बात कर रहा है। रुको एक मिनट, आप सुनो, एक मोहब्बत हो, बात तो कर ले। बगैर बात करे कैसे काम हो जाएगा? सर बात करते तो हम, अरे तो हमको बात कर ले एक बार, क्या समस्या है हम बताएंगे। हमने बात यहाँ पे, अरे आपने कोई संशोधन नहीं किया। संशोधन दिन भर कहाँ चल रहा है? कहाँ रहते हो? क्या बात है, समस्या क्या है तुम्हारी? सर कहते हैं रूप तैनात है सर की, बच्चे हमारे परेशान है सर, क्या करें हम बताओ। हम कागजी देते तो जो पेट्रोल क्यों लेके आए? बदायूं से टीवी 24 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।